अरे बाबा कहाँ हो तुम? पार्टी शुरू हो चुकी है। क्या कम फास्ट, बाय बाय। वैसे इरा, जहाँ तक मुझे मालूम है, दिल्ली आप लोगों के रोम रोम में बसी है, फिर अचानक मुंबई आके रहने का फैसला कैसे कर लिया? ये बात तुम विक्रांत से ही पूछ लो, इन्हीं की जिद थी कि चलो मुंबई चलते हैं। वैसे एक बात बताऊं, मैं तो कहीं भी एडजस्ट कर सकती हूँ, बस शहर में शॉपिंग मॉल्स होने चाहिए और क्रेडिट कार्ड में बैलेंस बाकी होना चाहिए। देखा भाई विक्रांत, शॉपिंग मॉल और क्रेडिट कार्ड्स के बाद तुम्हारा नंबर आता है। सिर्फ मेरा ही नहीं, दुनिया के हर हस्बैंड का यही हाल होता है। वैसे मेरी बात का जवाब अब भी नहीं मिला। बात यह है माधुरी कि यहाँ का सारा काम मेरा पार्टनर विपिन देखता था। कुछ दिन पहले वो अचानक गायब हो गया। गायब हो गया? हाँ, पता नहीं वो कहाँ चला गया। यहाँ काम संभालने वाला भी कोई नहीं था और विपिन एक अच्छा दोस्त भी है, इसीलिए उसकी वाइफ मनीषा की मदद के लिए हम दोनों यहाँ गए। हेलो इरा। हाय। हाय मनीषा, सो गुड टू सी यू। हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। हाय विक्रांत। हाय, ये क्या बात हुई? इरा से गले लग गए और मुझे सिर्फ हाय? एनीवे, आपकी मुस्कुराहट से तो इस घर में कितनी रोशनी आ गई, वरना फोन पर तो आप इतनी थकी हुई साउंड कर रही थी कि मुझे तो लगा था कि आप आएंगी ना। एक्चुअली विपिन के जाने के बाद मेरा दिल कहीं नहीं लगता, ये मेरी पहली पार्टी है, बड़ा अजीब सा लगता है, हमेशा लगता है जैसे वो कभी भी किसी भी दिन वापस आ जाए। डोंट वरी, आओ ना, मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। गाइस, दैट्स मनीषा, हमारे पार्टनर की वाइफ है। अच्छा मौका है, यहाँ सब लोग पार्टी में बिजी हैं। मैं माल उड़ा के ले आता हूँ। इरा मैडम ने अपना सारा बैग रूम में यूं ही छोड़ दिया है। हाँ, ऐसा करते हैं, तुम इन सबों पर ध्यान रखना। हाँ, मैं आता हूँ ऊपर से, इसे पकड़। ठीक है, जल्दी करना। हाँ, देर नहीं करना। ठीक है। रास्ता भी साफ है, किस्मत भी साथ दे रही है। सब मालिक अपना बैग यूं ही खुला छोड़कर रख दें तो कितना अच्छा होगा। अचानक कौन आ गया? यहां तो कोई नहीं है, फिर ये आवाज कहां से आई? जल्दी से अपना काम निपटाकर भागता हूं। फिर से वही आवाज, लगता है मुझे भ्रम हो गया है, उसी वजह से ये आवाज सुनाई दे रही है। आवाज यहां से आ रही है? लगता है कोई बच्चा छुपा हुआ अंदर में होगा, लेकिन पार्टी में कोई बच्चा आया ही नहीं है। फिर ये आवाज, ये वही अलमारी है, उसी की अलमारी है।
मैंने तो नहीं मंगवाया। विक्रांत जरूर ये तुम्हारा काम है ना? ये केक तो मैंने भी नहीं मंगवाया सचमुच। ये केक मैंने मंगवाया अपने दोनों दोस्तों के लिए जो अपना घर छोड़कर यहाँ रहने आए हैं मेरी मुश्किलों में मेरा साथ देने के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर न्यू लाइफ इरा। चलो चलो अब केक काटते हैं जल्दी से। ओह ऑफ कोर्स। मनीषा तुम ही आओ। अरे मैं नहीं नहीं कम ऑन। ओह गॉड। अरे ये लाइट्स को क्या हुआ? इट्स ओके रिलैक्स। मनी अचानक चली गई। माधुरी क्या हुआ? ये क्या हुआ? क्या हुआ माधुरी? तुम इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? विकास आओ चंदन सुरेश जल्दी आओ। मेरा पैर पकड़ लिया था। ओ मेरा पैर पकड़ लिया था। कैसा हाथ? क्या हुआ? वो हाथ उसने मेरे पैर पकड़ लिए। हाथ? किसका हाथ? वो जमीन से हाथ निकले थे उसने मेरा पैर पकड़ लिया। जोर क्या जमीन से हाथ निकले कि क्या कह रही हो तुम? हाँ अभी तक मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। देखो कितना खून। कहाँ है खून? मैं सच कह रही हूँ वो खून था। वो मैं माधुरी विक्रांत इरा इसे ले जाके बेडरूम में सुला दो। मिटा देते हैं। कुछ नहीं है बस अंधेरे से थोड़ा डर गई है इसे आराम करने दो। विक्रांत हमारे यहाँ पहली पार्टी थी और ये सब। hey, come on. It's okay. होता है कभी कभी। yeah. अब चलो थोड़ी देर आराम करेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब मुझे ऐसे भागना पड़ेगा। वो अलमारी में से एक आदमी निकल कर आया सड़ा गला कंकाल जैसा और वो मेरी तरफ आने लगा। सड़ा गला कंकाल जैसा? हाँ उसकी पूरी बॉडी सड़ी हुई है। देखो तुम शायद अंधेरे की वजह से घबरा गई होगी और कुछ नहीं वो है वहाँ पे। संभालो अपने आप को माधुरी। क्या संभालो तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? इस घर में बहुत बड़ी गड़बड़ है। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है एक मिनट चलो देखते हैं क्या है। हम चेक करके आते हैं। ओके जस्ट रिलैक्स कुछ नहीं होगा। तुम यही रहो मेरे साथ कुछ नहीं होगा। आओ बैठो डरो मत मैं हूं ना।
विक्रांत शायद बेडरूम में कोई छुपा हुआ होगा। रिलैक्स हीरा, डरो मत, मैं हूं ना। रुको, यहां तो कोई नहीं है। हीरा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि माधुरी अंधेरे से डर गई होगी। लेकिन विक्रांत, वो अलमारी, अलमारी में तो कोई हो सकता है ना। हीरा तुम भी ना, फालतू सबको डरा रही हो। चलो मैं अलमारी खोलता हूँ, देखते हैं अंदर कौन छिपके बैठा है। क्या हुआ? वहाँ कुछ है, वहाँ कुछ था। वहाँ पर क्या क्या है? कुछ क्या? One sec. इसकी वजह से माधुरी डर गई थी। ये देखो, गॉड। लेकिन ये मास्क यहां पर आया कैसे? एनीवे, उठो। खाम खा डरा दिया। नहीं यार, 2 मिनट के लिए तो मेरी सांस अटक गई थी। अब ये डरने डराने की बात छोड़ो, चलो वापस पार्टी में चलते हैं। हीरा, मेरी मदद करो। लगता है मुझे भी माधुरी की तरह आवाजें सुनाई दे रही है। सुरेश पानी रखना भूल जाता। किचन जाकर पी लेता। विक्रांत कहाँ चला गया? विक्रांत तुम यहां हो? यहां क्या कर रहे हो? कितना डर गई थी। चलो ना विक्रांत। मेरी मदद करो हीरा। मेरी मदद करो। मेरी मदद करो हीरा। हीरा विक्रांत, क्या हुआ? वो आदमी। कौन आदमी? हीरा कहाँ? बेड पे बैठा है। कहाँ बैठा है? हीरा, यहाँ यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन लेकिन मैंने देखा था, यहाँ एक बहुत ही डरावना आदमी था विक्रांत। वो मुझे लगता है वो अलमारी में चला गया। तुम सबको क्या हो गया? जिसे देखो उसे अजीब अजीब चेहरे दिख रहे। आखिर मैं भी तो देखो इस अलमारी में है क्या। विक्रांत संभाल के। एक मिनट, देख लो। कुछ भी नहीं हीरा। पार्टी खराब होने की वजह से तुम परेशान हो गए। अब ऐसी बातें सोचोगे तो बुरे सपने ही आएंगे ना। चलो आराम करो, आ जाओ। कम आओ ना।
दीपानता, हम लोग जब से इस घर में आए हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती जा रही है। तुम इस घर के वास्तु को अच्छी तरह से एक बार देख लो, और हाँ मेरे बेडरूम को भी देख लो, वहाँ तो ज़रूर कोई प्रॉब्लम है। क्या हुआ? यहाँ पे कुछ छुपा हुआ है। है ना? यहाँ कुछ है ना? हाँ, यहाँ जरूर कुछ है। मुझे यहाँ कुछ महसूस हो रहा है। इस बेडशीट के नीचे क्या है? या? ये निशान कैसा है? एक्चुअली कल रात मैंने यहाँ पर एक बहुत ही डरावना आदमी देखा था। एक मरा हुआ आदमी यहाँ बैठा था। ये निशान उसी का है। चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। इरा, इस घर में किसी बुरी आत्मा का साया है। इरा, चलो यहाँ से। Excuse me, मैडम, क्या आपको किसी से मिलना है? मैं विक्रांत की वाइफ हूँ। ओह, गुड आफ्टरनून मैडम, मैं मिनी हूँ, विक्रांत सर की सेक्रेटरी। विक्रांत है ऑफिस में? यस मैडम, लेकिन वो 10 मिनट के बाद किसी मीटिंग के लिए बाहर जाने वाले हैं। आगे जाके राइट वाला केबिन मैडम। मुझे विक्रांत से अकेले में बात करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ओके। हाँ बोलो, क्या हुआ? विक्रांत, विक्रांत, हमारे घर में कुछ गड़बड़ है। फिर वही बात, सिर्फ ये कहने के लिए तुम यहाँ पर आई हो? तो मेरी बात तो सुनो। विक्रांत मेरी भाभी की एक फ्रेंड है, दीपानिता, वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट है वो। मैं उसे हमारा घर देखने के लिए ले गई थी। उसने हमारी सारी मुश्किलें दूर करने के लिए हमारे घर में सिंदूर। सिंदूर? विक्रांत मेरी पूरी बात तो सुनो। उसने जैसे ही हमारे बेडरूम में वो सिंदूर फैलाया, हवा में एक डरावना चेहरा बन गया। ठीक वैसा ही जैसे मैंने रात में देखा था। विक्रांत, दीपानिता कहती है हमारे घर में एक बुरी आत्मा का साया है। बुरी आत्मा? माय गॉड, अब हम क्या करें? किसी से पूछा भी तो कोई हमारी बात नहीं मानेगा। लेकिन तुमने हमारा ये घर किससे खरीदा था? ये घर तो विपिन ने कंपनी का गेस्ट हाउस बनाने के लिए खरीदा था। एजेंट भी यहीं का था, प्रताप। 2 साल पहले उसी ने ये बंगला बेचा था उसे। विक्रांत, हम उसके पास चलते हैं, हमें उस घर के पुराने मालिक से मिलना ही पड़ेगा। लेकिन नीरा, मेरी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं एक काम करो, तुम जाकर उस एजेंट से मिलाओ, मैं तुम्हें उसका एड्रेस देता हूँ।
ये लो, इसमें उसका टेलीफोन नंबर और एड्रेस दोनों है, जाकर मिल लो उससे। विक्रांत हीरा, प्लीज प्लीज एंड डोंट वरी, मीटिंग खत्म होते ही मैं तुम्हें फोन करूंगा और तुम्हारे पास आ जाऊंगा, ठीक है? किधर जाना है मैडम आपको? प्रताप जी से मिलने। प्रताप जी से? जी हाँ, वो एस्टेट एजेंट है, यहीं पर है ना उनका ऑफिस। आपको आने में थोड़ी देर हो गई मैडम, वो चले गए। अच्छा, कब लौटेंगे वो? अब वो कभी नहीं आएंगे। क्या मतलब, ऑफिस बंद हो गया क्या? जी, प्रताप जी की मौत हो चुकी है 5 साल पहले। क्या, मौत हो चुकी है? जी, और ये ऑफिस भी बंद है 5 साल से। बहुत लोग आते हैं उन्हें ढूंढते हुए, पता नहीं क्या गड़बड़ करके गए हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, अभी 2 साल पहले तो उन्होंने हमें अपना घर दिलवाया है। प्रताप जी ने? अब पता नहीं, वो ऊपर बैठे बैठे भी अपना बिजनेस कर रहे हो तो कुछ कह नहीं सकते। थैंक यू। विक्रांत, अगर उसे मीटिंग के लिए यही आना था तो मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर आया? मुश्किलें बढ़ती जा रही, लगता है कुछ करना ही पड़ेगा। सेल क्यों बंद करके रखा है? ये विक्रांत कहाँ जा रहा है समझ में नहीं आ रहा। ये ऑफिस का रास्ता तो नहीं है, तो ये इस तरफ क्यों जा रहा है? ओ मनीषा, समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये दोनों इस तरह झगड़ क्यों रहे? कौन है? कौन है वहां पे? ईरा, तुम वहां क्या कर रही हो? अंदर आओ ना। हाय हाय हाय। क्या ओ, बात क्या है? मैंने तुम्हें एस्टेट एजेंट के ऑफिस के बाहर देखा था, तुम्हें आवाज लगाई, तुम्हें सुनाई नहीं दी, तो तुम्हारा पीछा करते करते मैं यहाँ चली आई। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? एक्चुअली मनीषा ने एक ऑर्डर लिया था पार्टी से, और मुझे पता था कि उससे हमें नुकसान होने वाला है, बस यही बताने आया था मैं मनीषा को, वही बिजनेस की रोज की प्रॉब्लम्स। अच्छा, लगता है तुम बहुत थक गई हो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। विक्रांत, तुमने उनसे झूठ क्यों बोला? क्या झूठ? यही कि विपिन ने वो बंगला हमारे लिए 2 साल पहले खरीदा है। मैंने झूठ नहीं कहा हीरा, विपिन ने वो बंगला 2 साल पहले ही खरीदा था। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो एस्टेट एजेंट 5 साल पहले मर चुका है। क्या, मर चुका है 5 साल पहले? ये तो मनीषा, तुमने सुना ये? जिस एजेंट ने तुम्हें वो बंगला दिलाया वो 5 साल पहले मर चुका है। क्या ये कैसे हो सकता है? वो आदमी हमारे पास आया था। ऐसा नहीं हो सकता, वो 5 साल पहले मर चुका है, और मैं उस घर में नहीं रहने वाली, वहां कुछ गड़बड़ है। मैं अपने डैड के घर जा रही हूँ बस। इट्स ओके हीरा, हीरा रिलैक्स, तुम इतना परेशान मत हो, तुम जैसा चाहोगी वैसे ही होगा, हम मुंबई छोड़कर ही वापस चले जाएंगे। अब चलो, मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ, चलो। कोई जरूरत नहीं, मैं कार लेकर चली जाऊंगी। मनीषा, क्या तुम सच कह रही हो कि वो बंगला तुम्हें उसी आदमी ने दिलाया था? हमें मुंबई आना ही नहीं चाहिए था, जब से यहाँ है सब कुछ गड़बड़ हो रही है, विक्रांत भी मुझसे झूठ बोले लगा है। मैम साहब, मैं बाजार से आपके लिए दवाइयाँ लाया हूँ। कहाँ रखी है? जी, आपके बेडरूम में। ठीक है, पानी लेकर आओ।
जी मैम साहब। ये लीजिए मैडम पानी। सुरेश, सुरेश क्या हुआ मैडम, क्या हुआ? सुरेश ये देखो क्या हो रहा है, ये देखो। ये क्या हो रहा है? अंदर एक आदमी है, वही ये सब कुछ कर रहा है। आदमी? ठीक है मैडम, मैं देखता हूं। मैडम यहां तो कोई नहीं है। मेरा नाम, मैं सच कह रही हूँ, जैसा कि माधुरी ने बताया था, अलमारी में से एक बहुत ही डरावना आदमी बाहर निकलता है। अलमारी में से? हाँ, और उसने मेरे सामने सुरेश को अलमारी के अंदर खींच लिया, फिर अलमारी का दरवाजा बंद हो गया और उस पर तुम्हारा नाम लिखा आया। ये कैसे हो सकता है? तुम ये क्या कह रही हो? तुम तो होश में तो थी, तुमने कुछ लिया तो नहीं, कोई मेडिसिन, स्लीपिंग पिल्स वगैरह? मनीषा मैं सच कह रही हूँ, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो तुम मेरे साथ चलो और देख लो, या फिर मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है। मुझे क्या पता हो रहा है, क्यों हो रहा है? अच्छा तुम्हें नहीं तो और किसे पता होगा, वो तुम्हारा घर है। लिसन, वो कंपनी का गेस्ट हाउस है, हम लोग कभी कभी छुट्टियां बिताने वहां जाया करते थे, शहर से थोड़ा दूर है, एक अच्छा बड़ा गार्डन है, इसलिए मैंने तुम लोगों का रहने का इंतजाम वहां कर दिया। अब ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे कुछ नहीं मालूम। कमाल की बात है, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम उस घर में रह चुकी हो फिर भी तुम्हें कुछ नहीं पता। देखो मनीषा, तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो, उस अलमारी में तुम्हारा नाम लिखा हुआ था, कोई तो बात है। तुम कहना क्या चाहती हो? विक्रांत ने कहा कि वो मेरी हेल्प करने के लिए यहां आया है और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, कि तुम्हारे दिमाग का वहम भी तो हो सकता है, वरना किसी और ने मेरा नाम लिखा हुआ देखा है क्या? बोलो मनीषा, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, दो आदमी गायब हो चुके हैं और विपिन भी तो इसी तरह। जस्ट शट अप, तुम अपनी हद से बाहर जा रही हो। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, निकल जाओ मेरे घर से। मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा कि ये सब क्या हो रहा है। गेट आउट। हेलो, मेरे ख्याल से ईरा को कुछ पता चल गया है। ठीक है, मैं वहां जा रही हूं। अब इस ईरा का कुछ इलाज करना पड़ेगा। मिनी, विक्रांत कहाँ है? वो तो अभी भी बाहर चले गए हैं। क्या? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्या हुआ है आपको? मुझे कुछ नहीं, क्यों? थोड़ी देर पहले एक आदमी विक्रांत सर से मिलने आया था, वो कह रहा था कि आपकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। कौन आया था? मालूम नहीं कौन था, मुझे लगा शायद आपके घर का नौकर होगा। क्या, ये कैसे हो सकता है? चंदन गायब है और सुरेश को अलमारी ने मेरे सामने अंदर खींच लिया था, तो यहाँ नौकर होके कौन आया था? कहीं विक्रांत किसी मुसीबत में तो नहीं? हे भगवान, मुझे तुरंत घर जाना चाहिए। विक्रांत कहाँ गए, कुछ पता है? नहीं मैम। ओके, I'm sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो, देखो मैंने बहुत कोशिश की,
मैंने बहुत कोशिश की उसे यहाँ लाने की, लेकिन वो नहीं पाती। प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाओ। विक्रांत प्लीज प्लीज मेरा विक्रांत मुझे लौटा दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है विक्रांत? कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं तुमसे नहीं डरती और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जो मेरा विक्रांत ही नहीं ना, तुम अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हारे टुकड़े नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तुम सामने क्यों नहीं आते? सामने आओ, मार डालूंगी मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी। अलमारी के अंदर अलमारी, ये क्या है? खोल के देखते। इधर तो तहखाना है, देखती हूँ क्या है। मदद करो प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। मुझसे बचना चाहती हो तो मेरी मदद करो, वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा जो बाकियों के साथ हुआ है। तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वही जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या चाहते हो तुम मुझसे? मदद, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सब समझते हैं कि मैं खुद गायब हो गया हूं, ऐसा नहीं है। लगता है सब लोग सो गए। इसमें डरने की क्या बात है? आज डरने से काम नहीं चलेगा, आज तो काम खत्म करना ही होगा। अपने पति को मार डाला। नहीं,
नहीं, तो मेरा नहीं हो सकती। कौन हो तुम? विपिन? नहीं नहीं हीरा, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम बच नहीं सकती मनीषा। बस बहुत हो गया। तुम ये बात नहीं छुपा सकती कि तुमने अपने पति विक्रांत का खून किया है। और तुमने मेरा खून क्यों किया था? अच्छा, तो तुम ये भी जानती हो? तो सुनो, मैं और विक्रांत एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो तो तुम्हारे डैडी की वजह से विक्रांत को तुमसे शादी करनी पड़ी। हम मजबूर थे, क्या करते। फिर हमने प्लान बनाया, विपिन को अपने रास्ते से हटाने का। हमने उसे मार के यहाँ छुपा दिया ताकि किसी को कुछ पता ना चले। और तुम जानती हो विक्रांत तुम्हें यहाँ क्यों लाया है? ताकि वो तुम्हें वैसे ही खत्म कर सके। लेकिन अफसोस, वो तो ये काम नहीं कर सका, मुझे ही पूरा करना होगा। विक्रांत ने मिलकर मुझे मारा था। ये दोनों नौकर भी मिले हुए थे। क्या हाल हो गया इनका? मैं जानता था ईरा को तुमसे खतरा था, और तुम एक न एक दिन लौट कर जरूर आओगी, और तब मैं तुमसे अपनी मौत का बदला लूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। सजा दे दी, और अब तुमको भी कोई खतरा नहीं, और आज के बाद मैं भी तुम्हें परेशान करने के लिए यहां नहीं रहूंगा। गुड बाय। आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।